जो 236 किलोमीटर तक का देते हैं फुल चार्ज में। लेकिन हम लोग यहाँ पे 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में नहीं जानेंगे दोस्तों, मात्र एक स्कूटर के बारे में जानेंगे जो काफ़ी चर्चा में है। काफ़ी दिनों से इसके बारे में हमने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा है। तो चलिए चलते हैं और हम लोग जानते हैं दोस्तों। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आइए जानते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं एथर 450 एक्स के बारे में। एथर के जैसे कि स्कूटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है दोस्तों देखने में। इस स्कूटी के बारे में हम लोग जो है सो बात करेंगे, यहाँ पे पूरा फीचर्स पूरा डिटेल और पूरा कीमत के बात करेंगे, वहीं बात करेंगे सरकार इसमें कितना ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है। तो आइए जान लेते हैं। तो बात कर रहे हैं दोस्तों एथर 450 एक्स के बारे में। तो एथर 450 एक्स इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी एथर एनर्जी, जी हाँ दोस्तों एथर एनर्जी का ये स्कूटी है। तो एथर एनर्जी का फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसे कंपनी ने पिछले साल जनवरी में लॉन्च किया था। वहीं बात करें तो एथर 450 एक्स अब प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर के सेगमेंट में है। जी हाँ दोस्तों बता दें एथर 450 एक्स यहाँ पे न्यू मॉडल आ चुका है, निर्विदित रूप से लीडर कर रहा है, लेकिन कुछ दिलचस्प फीचर के साथ दो नए खिलाड़ी आने से इसे बेहद कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इसमें से पावरफुल मोटर के साथ कई कनेक्टेड टेक्नोलॉजी से लैस फीचर्स दिए गए हैं। एथर 450 एक्स इलेक्ट्रिक की पुणे में इसकी जो कीमत है वो 1,22,916 रुपये है, वहीं दिल्ली में इसकी कीमत 1,13,416 रुपये है बिना सब्सिडी के। इसमें सब्सिडी भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो वहीं बात कर ले दोस्तों तो स्कूटर में 6 किलोवाट का इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है जिसमें 8 BHP का पावर है और 26 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। एथर एनर्जी का दावा है कि इसका स्कूटर जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर 450 एक्स एक बार फुल चार्ज करने के बाद 116 किलोमीटर की प्रमाणित रेंज के साथ आता है। हालांकि ग्राहकों को वास्तविक दुनिया में रेंज का अंदाज़ा देने के लिए कंपनी 450 एक्स के लिए 85 किलोमीटर का रियल रेंज का दावा करती है। इस स्कूटर में दो ड्राइव मोड दिए गए हैं, राइट मोड है और इको मोड दिए गए हैं। इको मोड में स्कूटर 85 किलोमीटर तक चलता है जबकि राइड मोड में 75 किलोमीटर तक यहां पे चलता है। वहीं हम लोग आगे इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एथर 450 एक्स में इलेक्ट्रिक स्कूटर में 2.9 किलोवाट की लिथियम आयन की बैटरी है पैक दिया हुआ है, यानी 3 किलोवाट की यहाँ पे बैटरी पैक है दोस्तों। तो 3 किलोवाट में यहाँ पे 1 किलोवाट में 15,000 का सब्सिडी मिल रहा है, तो 3 किलोवाट में 45,000 का सीधा सीधा सब्सिडी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों तो जो फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो एथर 450 एक्स की बैटरी को रेगुलर चार्जर के जरिए 4 घंटा 45 मिनट में पूरी तरह से चार्ज किया जा सकता है। वहीं एथर 450 एक्स की बैटरी को कंपनी के फास्ट चार्जिंग नेटवर्क पर मात्र 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से यहां पे जो है सो चार्ज कर देता है। यानी एक मिनट में आप इतना चार्ज कर देगा कि आप 1.5 किलोमीटर तक का ड्राइव कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, जिसे एथर ग्रिड के नाम से जाना जाता है। यानी एक मिनट में एथर 450 एक्स इतना चार्ज हो जाता है कि आप 1.5 किलोमीटर तक का दूरी आसानी से तय कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आइए आगे बात करते हैं। तो एथर 450 एक्स ई स्कूटर की टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। एथर एनर्जी का दावा है दोस्तों कि 450 एक्स सिर्फ 3.3 जी हाँ दोस्तों सिर्फ 3.3 सेकेंड में ही 0 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेता है। इस समय देश में एथर एनर्जी के 200 से ज़्यादा फास्ट चार्जर हैं। जी हाँ दोस्तों 200 से ज़्यादा फास्ट चार्जर यहाँ पे स्थापित इन्होंने कर चुके हैं और होसुर में स्थित कंपनी आने वाले समय में इन नंबरों को बढ़ाने पर विचार कर रही है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये चार्जिंग पॉइंट लगाएगी कंपनी। एथर एनर्जी इस समय सिर्फ चुनिंदा भारतीय शहरों में ही अपने वाहन को बिक्री करती है, लेकिन कंपनी की योजना है कि उसे जल्द ही 30 शहरों में विस्तार करेगी। यानी 30 से ज़्यादा शहर में इनकी स्कूटी यहाँ पे बिकने जा रही है एथर एनर्जी की। दोस्तों एथर एनर्जी की ज़बरदस्त स्कूटी है। बाकी इस स्कूटी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।